नेतागिरी फार्मूला नंबर दो। नेतागिरी फार्मूला नंबर एक बहुत ज्यादा लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों का फोन आया, मैसेज आया कि आप नेतागिरी का एक ही फार्मूला बता रहे हैं, हमें तो दूसरा बताइए, तीसरा बताइए, चौथा बताइए। तो नेतागिरी का जो फार्मूला नंबर दो है वो बड़ा पेटेंट और बहुत बढ़िया है और सब जानते हैं इसको, मगर कभी ध्यान दिया नहीं, और दिया भी होगा तो आज इस वीडियो देखने के बाद में वो पक्का हो जाएगा, क्योंकि वही जानकारी जो समाज में है वही जानकारी मैं देता हूं। नेतागिरी का जो दूसरा फार्मूला है वो है चमचागिरी। चमचागिरी सबसे बेहतरीन है। आप किसी नेता को ढूंढिए जो नेता एस्टैब्लिश हो चुका है, या आपको लगता है कि ये एक ना एक दिन व्यक्ति नेता बन जाएगा, या ये जो महिला है नेता बन जाएगी, बस आपने कुछ नहीं करना है, अपना घर बार छोड़ देना है, उसका ड्राइवर बन जाना है, उसका कंडक्टर बन जाना है, उसका हेल्पर बन जाना है, उसका रिसेप्शनिस्ट बन जाना है, उसके घर के सारे काम करने हैं, उसके बाहर के सारे काम करने हैं, और वो मुंह खोले उससे पहले उस काम को समझ जाना है। यानी आपने इतना बेहतरीन और पेटेंट चमचा बनना है कि कढ़ाई में क्या आ रहा है आपको पहले से ही पता चल जाना चाहिए कि आज कढ़ाई में ये बनने वाला है, और आप उसी तरह से चमचों की तरह ठक ठक करना शुरू कर दें, ताकि जो आपका नेता है, जो आपका जिससे आप ग्रहण कर रहे हैं, उसको ये लगे कि भाई इतना बढ़िया तो मुझे चमचा कहीं मिलेगा ही नहीं। यानी कि वो आपकी चमचागिरी देख के शर्म आ जाए कि कितने गजब का चमचा मुझे मिला है। चमचे की जो सबसे बड़े फायदे होते हैं वो ये होते हैं कि चमचा अनपेड होता है, यानी उसे पेमेंट नहीं करनी पड़ती, तनख्वाह नहीं देनी पड़ती, और जैसा खाना आप खाएंगे उसे वैसा मिले या ना मिले, वो बाहर खड़े होकर इंतजार भी कर सकता है। जहां आप उसको धूप में खड़ा करेंगे वो धूप में खड़ा रहेगा, छाए में खड़ा करेंगे छाए में खड़ा करेगा, और वो आपका हमेशा से बहुत बढ़िया सेवक रहेगा। तो जो चमचे होते हैं वो, उनके पास में शब्दावली में एक शब्द नहीं होता, नो सर या नो मैडम नहीं होता। यानी चमचों की ये खास बात और गुण है कि वो कभी भी आपको नो करते हुए नहीं सुनेंगे, जब तक उनका आका, जब तक उनका नेता नो ना कहे। अगर वो कहेंगे कि आज रात में 12 बज रहे हैं तो वो कहेंगे 12 बज रहे हैं, वो कहेंगे रात के 2 बज रहे हैं और तो 2 बज रहे हैं, वो कहेंगे रात के 12:30 बज गए तो 12:30 बज गए। बेशक चाहे ये सुबह सुबह की बात हो, चाहे बेशक सुबह का सूरज निकल रहा हो, अगर वो रात कहते हैं तो रात ही की बात सारे करेंगे। चमचों की ये खास पहचान होती है। चमचा बढ़ चढ़कर अपनी चमचागिरी को प्रूव करने के लिए ताबड़तोड़ वो काम करता है जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता है। यानी चमचा में ये गुण होना चाहिए। तो चमचागिरी की खास बात क्या है कि चमचा बनकर नेता कैसे बनते हैं? चमचा कई सारी बातों का इंतजार करता है। पहला तो वो इंतजार ये करता है कि कहीं कोई और छोटी मोटी सीट निकलेगी तो मेरा नाम रिकमेंड होगा तो मैं छोटा मोटा नेता बन जाऊंगा। दूसरा वो इस बात का इंतजार करता है कि कहीं नेताजी को कुछ 19-20 हो जाए तो मेरा नंबर आ जाएगा। कहीं वो इस बात का इंतजार करता है कि नेताजी को कहीं अगर अपने भरोसे का आदमी फिट करना होगा तो वो मेरा नाम रिकमेंड करेंगे और मुझे उसमें डालेंगे। चमचा सारे वो काले और सफेद काम जानता है जो नेताजी करते हैं या जो नेता करता है, क्योंकि वो इतने भरोसे का आदमी होता है, इसलिए नेता को मजबूर होके चमचे को ही कुछ ना कुछ देना पड़ता है, चमचे को ही शिष्य बनाना पड़ता है, चमचे को ही कहीं ना कहीं फिट करना पड़ता है। ज्यादा नहीं करेगा चमचागिरी में, क्योंकि चमचा भी जानता है कि नेता जो फिट करेगा वो पहले अपने रिश्तेदारों को करेगा, उसका नंबर रिश्तेदारों के बाद है, इसकी उसे परवाह भी नहीं होती, क्योंकि वो ये मानता है कि मौका लगते ही वो नेताजी को साफ कर देगा और नेताजी की जगह खुद आ जाएगा, चाहे तो उन्हें करप्शन में फंसा देगा या करप्शन की कहीं सूचना दे देगा या उनके काले कारनामों का भंडाफोड़ कर देगा या उनको काले कारनामों पर ब्लैकमेल करेगा, या अगर नेताजी के साथ हो तो 19-20 हो गया, वो जेल वेल चले गए तो उनकी सारी संपत्ति का मालिक हो जाएगा, क्योंकि चमचों के नाम से नेता संपत्ति भी बनाते हैं। तो चमचा ग्रीन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको पब्लिक के पैर नहीं पकड़ने पड़ते, आपको कहीं चंदा नहीं मांगना पड़ेगा, आपको कहीं जाके हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे, आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति का हाथ जोड़ना है, वो अपने नेता का, और उसको किसी भी हालत में नाराज नहीं करना, चाहे वो कुछ कहे, बस आंख बंद करके मानना है। ये नेतागिरी का पहला और आखिरा उसूल है। नेता अगर आपको लात मार के निकाल भी दे तो भी आपने सपने में भी नेता की बुराई नहीं करनी है। आपने ये कहना है कि नेता ने लात नहीं मारी, सपने में सो रहे थे, वो लात उन्होंने घुमाई किसी और को मारने के लिए, अपने विरोधी को, वो मुझे लग गई, वो नेताजी ने मुझे नहीं मारी। कोई अगर लात मारता हुआ आपको देख भी ले, वीडियो बना के अगर कोई वीडियो डाल भी दे तो कहो कि ये वीडियो झूठी है, नेताजी ने मुझे नहीं मारा, नेताजी ने मुझे कोई अपशब्द नहीं कहे, नेताजी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ये वीडियो झूठी है, बनाई गई है, विरोधियों द्वारा है।
आप बिल्कुल यकीन मत करिए और ना ही किसी को होने दीजिए कि आपकी और आपके नेता की अनबन है, क्योंकि आपकी मार्केट खत्म हो जाएगी। ये नेता चपरासी का सबसे बड़ा बचाव का एक गुण है। तो अगर नेता आपको निकाल दे या नेता आपको किसी दंड में कर दे, बाहर कर दे, या इसलिए आपको बाहर कर दे कि उसे अपने परिवार के लोग फिट करने हैं, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया, तो नेता को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। नेता का खूब गुणगान करना है। आपने ऐसे चुपक जाना है जैसे कंबल चुपक जाता है ठंड में व्यक्ति से। व्यक्ति कंबल को छोड़ना चाहे छोड़े, मगर कंबल ना छोड़े किसी हालत में। तो आप नेता को ना छोड़ें। नेता आपको कितना ही गाली बके, आप फिर भी पब्लिक में जा जाके अपने नेता की खूब तारीफ करें, खूब कहें। लोगों को शर्म आ जानी चाहिए कि देखो कितना बेहतरीन चमचा है कि ये अपने नेता की आज भी चमचागिरी कर रहा है, जबकि इसका नेता इसको कढ़ाई से निकाल के कप का लात मार के बाहर फेंक चुका है। ये नेतागिरी के बहुत सारे गुण हैं। जो लोग इन गुणों को अपनाते हैं, नेता की लगातार तारीफ करते रहते हैं, चाहे नेता कितना भी खराब है आपका, फिर भी आप उसकी वाहवाह करते रहे, जो काम उसने किया वो ब्लाइंड हो गया, आप बिल्कुल उसकी वाहवाह करते रहेंगे, तो ये गारंटी है कि आप एक ना दिन नेता बनेंगे जरूर, क्योंकि हर नेता को ऐसे चमचे की आवश्यकता रहती है। जब तक ऐसे चमचे नहीं होंगे, नेता को यकीन नहीं होता कि वो भारत में नेता है। भारत के नेताओं की एक खास पहचान है कि चमचों का एक गुट होता है, उसमें भी छोटा चमचा, बड़ा चमचा, उससे बड़ा चमचा, चमचे आपस में बजते रहते हैं। कई बार छोटा चमचा बाजी मार के ले जाता है जैसे चम्मच है, और बड़ा चमचा देखता रहता है। ये समय समय की बात है, मगर चमचों की क्वालिटी के ऊपर है। तो नेतागिरी बनने का जो सबसे बेहतरीन फार्मूला है, सबसे आसान फार्मूला है, किसी नेता को पकड़ लो, अपने घर वालों को बोल दो कि अब आप मुझे भूल जाओ, अब मैं आपको तभी मिलूंगा जब मैं नेता बन जाऊंगा। 5 साल में, 6 साल में, 8 साल में, 10 साल में आपका नंबर आ जाएगा। या तो नेता ऊपर चला जाएगा तब नंबर आ जाएगा, या नेता के बुरे दिन आ जाएंगे, नेता जेल में चला जाएगा तब नंबर आ जाएगा, या नेता को किसी और नेता की कहीं आवश्यकता होगी तो वो आपको फिट कर देगा, या नेता कहीं आपको कोई ना कोई पद ऐसा दे देगा कि आपको गाड़ी वाड़ी मिल जाए। बहुत सारे चमचों का नंबर आया है। किसी ने बर्तन मांजे हैं तो वो कैशियर हो गया, किसी ने कपड़े साफ किए हैं तो वो मंत्री हो गया, किसी ने कुछ काम किया है जूते चप्पल साफ करने का तो वो कहीं हो गया। हर नेता के दिन आते हैं, हर चमचे के दिन आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत में नेता बनने का पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप चमचागिरी करते हैं। कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई सब्जेक्ट पे मास्टरी होने की जरूरत नहीं है, कहीं कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपने एक सफेद कपड़े, 2-4 जोड़ी कपड़े हैं, वो भी नेताजी इंतजाम करा देंगे, जहां नेताजी के बनते हैं वहां आपके बन जाएंगे। वो पहन के सफेद रंग का जूता पहन के, गले में पटका डाल के, और तेज आवाज में आपने जैसे भीड़ में जा रहे हैं तो जोर जोर से कहना है, हट बे हट, नेताजी आ रहे हैं, हट नेताजी आ रहे हैं। इस तरह से नेताजी का दिल जीतना है। नेताजी के लिए अगर कुछ कोई कहे तो खींच के दो मानने हैं, चाहे कुछ हो जाए। तो नेताजी को दिल जीतना आप जीते जाएंगे चमचागिरी करके, उतना ही आपकी मार्कशीट में नंबर बढ़ते जाएंगे, और गारंटी है कि आप नेता बनेंगे। फिर आपके भी चमचे आएंगे, आप तो एक्सपर्ट हैं क्योंकि आप तो चमचे से नेता बने हैं, तो आपको फिर चमचों में छांटने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये है फार्मूला नंबर 2, और फार्मूला नंबर 3 पर रिसर्च जारी है। जब वो रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी तो नेतागिरी का फार्मूला नंबर 3 भी बताया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद।
Shut up.